मोदी साहब ये बार बार झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, तो ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं इनके झांसे में मत आओ, ये बड़ा खतरनाक होता है। एक तरफ बढ़ाना, दूसरे तरफ घटाना, हमसे ही चोरी करना। खड़गे जी मेरे बाप को भी नहीं छोड़े, मैं कहाँ पकड़ा हूँ, मैं उनके बाप को पकड़ा हूँ थोड़ी। उन्होंने ऐसा पलटाते हैं बात को, उल्टा से पलटा। भाई मोदी साहब ने तो इतने झूठ बोले, और ये चंद्रशेखर जो है हैदराबाद का, वो इसका बाप है, वो चंद्रशेखर के, मैंने ये कहा, लेकिन मोदी जी मेरे को कहे मेरे को कहे, ये झूठा फैलाते रहते। ये भी एक झूठ है, ये भी जमा करो जुमले में। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो। हमारी गवर्नमेंट क्या क्या काम की है और लोगों को कैसा सरकार से अपने इस पे रहने के लिए, खुशहाली के तरफ लाने के लिए, तो आगे आने वाले जो चुनाव के बाद हम क्या करने वाले हैं ये उन्होंने बताया है। तो मैं कहूंगा ये चुनावी क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और पहले के बातों को दोहराने का उन्होंने छोड़ दिया। यानी पहले तो ये बात करते थे 2014-15 में, भाइयों और बहनों मैं आप लोगों को विदेश में रखा हुआ खाला धन ला के हर एक के जोब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला? नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलते हैं? मिला होगा तो कौन झूठ हो गया आप बोलिए। अगर मैं कहता हूं मेरे ऊपर वो सवार होते हैं, खड़गे जी ने मुझे झूठ बोला, झूठों का सरदार बोला, ये कहते हैं। तो मैं जो कहता हूं वो सच है ना? अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां मैं युवाओं को दूंगा हर साल। अब कितने साल हो गए? अरे 10 साल होने जा रहे हैं, तो 20 करोड़ नौकरियां मेरे बाबा कहाँ है वो बताओ? है मिला कोई 20 करोड़? नहीं। तो मैं झूठ हूं क्या? वो झूठ है आप बोलिए। ठीक है, ये भी बात छोड़ दी है। तीसरी बात, यहाँ बैठे हुए मेरे किसान भाइयों बहनों को उन्होंने क्या कहा, ये मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और डबल आमदनी करेगी, दो गुना करेगी। क्या आपकी आमदनी दो गुना हो गई है? अरे मैं जो भी पूछ रहा हूं आप लोग नहीं 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 बोल रहे, क्या है? तो मोदी झूठ है ना? झूठ है, सच है बोलिए। इतनी से और फर्टिलाइजर मैं फ्री दूंगा किसानों के लिए, फ्री मिल रहा है? अरे डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता,
और उन्होंने तो बोल दिया किसानों के फायदे के लिए मैं, ये हुआ। और उन्होंने ये भी कहा मेरे माताएं जब चूल्हे के सामने बैठती है, मेरे बहन बैठती है जब चूल्हे में, वो क्या बोलते हैं उसको आप फूकने का, अरे धुआं तो आंखों में जाता, वो फूकने का, फूकना हमारे तरफ फूकना बोलते हैं, आपके पास हाँ फूकनी, तो ये फूकनी देखकर और उनके आंखों के सामने, उनके आंखों के सामने और कह रहे हम कि मोदी जी उन माताओं को, उन बहनों को देखकर, उनकी आंसू देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं फ्री में गैस दूंगा। अरे मेरे भाई, फ्री में गैस देने का तो छोड़ो, आपने हमारे जमाने में 450 रुपए गैस था सिलेंडर, अब तो आपने 1100 रुपए कर दिया, और इलेक्शन है नजदीक तो उसको घटाकर आपने क्या किया, 200 रुपए घटाकर आज 900 रुपए पे लाया। एक तरफ बढ़ाना, दूसरे तरफ घटाना, हमसे ही चोरी करना, हमारे ही पैसे लेकर आप बोलना कि हम महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाओं के दुख और दर्द को, कहां भाई दुख दर्द, महिलाओं के उल्टे पैसे ले रहे हो, उनके जोब में है 100 पैसे कौन ले रहे, सरकार ले रही है, पहले 450 में मिलता हुआ सिलेंडर आज अगर 900 रुपए में मिलता, 1100 रुपए में मिलता, कौन झूठ बोल रहे ये आप ही सोचिए। ये एक ही नहीं, अब इधर इधर और भी एक, उन्होंने एक और कहा कि मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं कि वो ठीक नहीं लगेगा, कि उन्होंने मैंने एक भाषण दिया था अपने हैदराबाद में, मैं क्या कहा था, मोदी साहब ये बार बार झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है बोला। तब उन्होंने आपत्ति जताई, क्या कहा उन्होंने, खड़गे जी मेरे को बार बार झूठों के सरदार बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि मेरा बाप का नाम लिए, मेरे पिता का नाम लिए, भाई मैं उनके पिता का नाम नहीं लिया, वो पिता को टीका करने की मेरी हैसियत नहीं, क्योंकि जो बुजुर्ग है और जो पॉलिटिक्स में वो नहीं है उनकी बात करने में कोई फायदा नहीं। हम ये चाहते स्वाभिमान से जीने के लिए सबको आप बराबर का हिस्सा दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा, खड़गे जी मेरे बाप को भी नहीं छोड़े बोले, मैं कहां पकड़ा हूं, मैं उनके बाप को पकड़ा हूं थोड़ी, ये नहीं है, हम उनके पिताजी को क्यों बोलेंगे। उन्होंने ऐसा पलटाते हैं बात को, उल्टा से पलटा, हमने कहा था भाई मोदी साहब ने तो इतने झूठ बोले, और ये चंद्रशेखर जो है हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, वो इसका बाप है बोल के बोला मैं, तो चंद्रशेखर के मैंने ये कहा, लेकिन मोदी जी मेरे को कहे ये झूठा फैलाते रहते, ये भी एक झूठ है, ये भी जमा करो जुमले में। तो ये जो इनकी नियत है बार बार सिंपत्ति लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं, मैं गरीब हूं, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था, अरे वो तो ठीक है,
तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती, ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से तुम एक तरफ डिवाइड कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम देश एक रख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को गालियां देते हैं, कभी मुझे, कभी सोनिया गांधी जी को। अरे भाई, हमने क्या किया? हुकूमत आप कर रहे हैं 10 साल से, 13.5 साल से आप अहमदाबाद में हुकूमत किए, अब आप ही बोलिए। जो इंसान 23-24 साल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल के काम कर रहा है, वो मैं गरीब हूं बोल रहा 24 साल से। तो ऐसे जो ढोंगी लोग रहते हैं, इनके झांसे में मत आओ, ये बड़ा खतरनाक होता है। हम तो देश की सेवा में कांग्रेस पार्टी लगी है, हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी।